स्वच्छता, पर्यावरण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर हुआ सेमिनार। जिला जनकल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वच्छता, पर्यावरण एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर सेमिनार का आयोजन हुआ। राजकीय संग्रहालय में आयोजित इस सेमिनार में महानगर धर्माचार्य पंडित हरिओम पाठक, बुंदेलखंड विद्वत ब्रह्मांड परिषद के अध्यक्ष आचार्य व्रज किशोर भार्गव ने स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के बारे में जानकारी देने के साथ ही प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर प्रकाश डाला। साथ ही इससे जुड़े विषयों पर सराहनीय कार्य करने वाले 75 कॉलेजों के प्रवक्ता, प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्यों को नेचर फेयर अवार्ड 23 लेकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती एवं संस्था के संरक्षक पर्यावरण वर्गीय श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी की पुण्य स्मृति पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का स्वागत संस्था डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी एवं पूर्व सभासद मुकेश ठेकेदार ने किया। झांसी से राहुल उपाध्याय। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी। देखिए, जिला जनकल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वच्छता, पर्यावरण और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर एक सेमिनार का आयोजन राजकीय संग्रहालय में किया गया। क्या इसमें लोगों को सभापति की प्राप्ति दिए गए? देखिए, 75 कॉलेज के प्रधानाचार्यों को, प्रोफेसरों को, प्रवक्ताओं को और उन शिक्षक शिक्षिकाओं को नेचर केयर अवार्ड दिया गया जो इस दिशा में बहुत सजगता से और सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। इस सेमिनार के माध्यम से हमने संदेश दिया। मैं बता दूँ आपको कि निकट भविष्य में कचरा एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली, हमारे बीच में कचरे की बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो हमने बताया गया कि कचरा कितने प्रकार का होता है और कैसे हमें उसको रिसाइकिल करना, ट्रिपल आर का सिद्धांत हमें बनाना होगा, तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही हमने जो गीला कचरा होता है, गीले कचरे का प्रकार बताते हुए हमने ये भी बताया कि ये भोजन सामग्री जिस तरह से हम लोग बर्बाद करते हैं उसे भी बचाने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। जी, देखिए, हमारे बीच में महानगर धर्माचार्य आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी, विद्युत ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष आचार्य ब्रजकिशोर भार्गव जी सहित तमाम जो है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्राचार्यगण और प्रवक्तागण, प्रोफेसरगण हमारे बीच में उपस्थित है। पूर्व सभासद मुकेश ठेकेदार ने सभी का आभार व्यक्त किया। देखिए, आज करीब 121 लोगों को नेचर केयर अवार्ड प्रदान किया गया और 75 कॉलेजों के प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद रहे।